फिर आते हैं हमारे पास लिस्ट। लिस्ट अगर हमने बनानी हो, हमारे पास तीन तरह की लिस्ट होती है, नंबर्ड लिस्ट, बुलेट लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट। पता है ना आप सबको नंबर्ड लिस्ट कौन सी होती है भाई? हाँ, ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और बुलेट लिस्ट इन्होंने दिया हुआ है, बुलेट लिस्ट मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट। और डेफिनेशन लिस्ट आपको पता है डेफिनेशन लिस्ट होती है। अच्छा, अगर लिस्ट हम बनाते हैं तो हमें कुछ इस तरीके से लिस्ट नज़र आती है, देख रहे हैं आप, टू एग्स, वन टेबल स्पून, ये एक लिस्ट है और एक ये एक लिस्ट है, ठीक है। ये वाली जो लिस्ट है इसमें नंबर नहीं है, तो ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है, जिसमें नंबर है वो ऑर्डर्ड लिस्ट है, ठीक है। तो इनको HTML में लिखने का तरीका क्या है, ऑर्डर लिस्ट के लिए आप OL का टैग लगाते हैं, और उसके अंदर जितनी भी आपको लिस्ट आइटम चाहिए, लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम चाहिए उधर LI लगा के उसके अंदर लिखें और LI क्लोज कर दें, इस तरह LI ओपन करें, क्लोज करें, सही। अगर हम यहाँ आ जाएं, क्या था भाई हमारे पास, HTML लिखेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा, दूसरे नंबर पर क्लिक करें, ये आपके पास पूरा सेट हो जाएगा। तो बॉडी में आ जाएं, तो लिस्ट बनाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप अगर अनऑर्डर्ड लिस्ट बना रहे हैं तो यूएल लिखेंगे और यूएल को ओपन करके क्लोज कर देंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आप जितने भी एलआईज बनाना चाहें बना सकते हैं, ठीक है। अगर मुझे नेस्टेड लिस्ट बनानी हो तो क्या करना पड़ेगा, पुराने स्टूडेंट्स बताएंगे, मुझे नेस्टेड लिस्ट बनानी है। नेस्टेड लिस्ट का पता है क्या होता है? मेरी शक्ल क्यों देख रहे हो भाई, बताओ। ये लिस्ट है, ठीक है, मुझे अब इसके अंदर एक ओल्ड लिस्ट इधर से शो करनी है, क्या करूंगा जी, कहाँ पे, ठीक है, अभी दे, अच्छा ठीक है, इस LI के अंदर मैं क्या करूँगा, मैं एक और UL ओपन कर दूंगा और फिर उसके अंदर LIs दे दूंगा, ठीक है, इस तरह जितने यहाँ भी आप LIs देना चाहें दे सकते हैं, ठीक है। ये सब लिस्ट बन गए, अब इस तरह आप बनाते जाओ ये बनती जाएंगी, क्योंकि कभी अगर आपको नीड हो तो आप सब लिस्ट ऐसे बना सकते हो, सही। ये आपकी थी कौन सी लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। फिर आपके पास दूसरी आती है, कौन सी आती है भाई, ऑर्डर लिस्ट, हम बनाते हैं OL से, उसके अंदर भी LI डालते हैं, ठीक है। इस तरह ये नंबर्स आ जाए, ठीक है। बाद में जाके हम ये बुलेट्स भी चेंज कर सकते हैं, ये नंबर्स भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। फिर इस चैप्टर में एक ओल्ड लिस्ट है, वो कहलाती है डेफिनेशन लिस्ट। डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है भाई, बताएं भाई, सो रहे हो क्या सारे? डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है, कौन बताएगा भाई? रिवीजन हो रहा है, कुछ नया पढ़ रहे हैं क्या? वो तो DD है ना, डेफिनेशन लिस्ट क्या है पूरी, क्यों यूज करते हैं हम, क्यों यूज करते हैं, हेडिंग के लिए। डेफिनेशंस ना, डेफिनेशंस दिखाने के लिए लिस्ट के अंदर,
तो DL से डेफिनेशन लिस्ट स्टार्ट होती है, DT से डेफिनेशन की हेडिंग आती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कंप्यूटर, DL में क्या होगा उसकी, सॉरी DD है, सही, या आप उसकी डिटेल डाल सकते हो, ठीक है। अब आप इसको जाके देखो तो आपको व्यू जो है ना इस तरीके से आएगा। ऐसे, ठीक है, ये कंप्यूटर और उसकी हेडिंग, ठीक है। सेम और देनी है आपने तो फिर आप इसी तरीके से ये प्रोसेस फॉलो करोगे, कैसे, DT, ठीक है, और माउस क्या है, और DD, और इधर आप डिटेल डाल दोगे, देख रहे हो। अगर आपके पास दो हेडिंग्स आ जाएं, मतलब एक ही उसके, एक ही डेफिनेशन दो वर्ड्स के लिए हो सकती है, तो आप DT डाल दो, ठीक है, तो एक ही उसके लिए दो आ जाएंगे, सही। ये जो न्यू कमर बैठा है ना, वो उठ के आ गया है, इधर आ जाओ भाई, जल्दी आ जाओ, आप ही हो, आप ही हो, इधर आके बैठो, आ जाओ, आ जाओ, अच्छा आप भी हो, आप सही बैठे हो, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, आ जाओ भाई, क्या नाम है आपका, इधर आओ, इधर आओ, करीब आओ मेरे, आ जाओ। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपको नींद आ रही है, लग रहा है मुझे, चलो अब नहीं आएगी, आप दोनों के लिए और वो एक और है उनके लिए हो रहा है रिवीजन। ये लोग सो रहे हैं तो इनको सोने भी दे, मसला नहीं है। नेस्टेड लिस्ट हमने देख ली है कैसे देते हैं हम, और ये लिस्ट का चैप्टर है जो कि एंड हो गया। फिर आते हैं लिंक्स, लिंक्स क्या होते हैं भाई, कौन बताएगा, लिंक्स, हेलो, किसी चीज का वो चीज क्या होगी जी, एब्सोल्यूट URL, हम लिंक की बात करें, लिंक क्या होता है, रेफरेंस देने के, रेफरेंस का मतलब पता है क्या होता है, क्या होता है, नहीं नहीं नहीं, चलो चलो ठीक है भाई। अच्छा लिंक क्या होता है, देखें, एक तो लिंक यह है कि आप अपनी वेबसाइट में मूव करते हो, फॉर एग्जांपल ये आ जाओ W3 स्कूल है, इसको ओपन करो, ये जो ऊपर आपको नजर आ रहे हैं ये सारे लिंक्स हैं, ठीक है, जब आप इस पर क्लिक करते हो तो हम कहीं और मूव कर जाते हैं, ठीक है, ये सारे लिंक्स हैं। अगर आप इसको इंस्पेक्ट करोगे, राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो, तो आपको यहाँ पे एक टैग नज़र आएगा जो कि A का टैग होगा, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। तो जो लिंक आपको नज़र आ रहे होते हैं ना, ज़्यादातर वो क्या होते हैं, एंकर टैग ही होते हैं, देख रहे हो, A आ रहा होगा यहाँ पर, तो एंकर टैग होते हैं, सही है। अब ये कह रहे हैं कि कॉमनली अक्रॉस द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ लिंक्स, फॉलोइंग टाइप्स जो है ना कॉमनली होते हैं, लाइक लिंक्स फ्रॉम वन वेबसाइट टू अनदर, आपकी वेबसाइट से किसी और वेबसाइट का लिंक हो जाए ओपन, क्लिक होके आप वहाँ पे मूव कर जाओ, लिंक फ्रॉम वन पेज टू अनदर ऑन सेम वेबसाइट, ये जिस तरह वेबसाइट है ना अलग अलग पेजेस पे मूव कर रहा है, तो ये इसकी बात कर रहा है, लिंक फ्रॉम वन पार्ट ऑफ अ वेब पेज टू अनदर पार्ट ऑफ द वेब पेज, फॉर एग्जाम्पल ये एक पेज है, इसी पेज के अंदर आगे पीछे आपने लिंक्स लगाए हुए हैं, तो ये कौन सा होता है भाई, कि आप सेम वेबसाइट पे सेम पेज पे खड़े हो, वहीं पे लिंक हो रहा है, लिंक्स दैट ओपन है ना न्यू ब्राउजर विंडो, फॉर एग्जांपल कोई लिंक ऐसा है, अभी तो हम न्यू कर देते हैं, वरना कुछ लिंक्स पे क्लिक करो तो वो न्यू ब्राउजर विंडो में ओपन होते हैं, तो ये भी लिंक्स होते हैं,
लिंक्स दैट इज स्टार्ट अप योर ईमेल प्रोग्राम एंड एड्रेस अ न्यू ईमेल टू समवन, ये भी हम देखेंगे। जो लिंक का टैग होता है वो इस तरीके से होता है, एचरेफ, एंकर टैग और अंदर वैल्यू जो भी हमने दिखानी है, जो नज़र आएगी हमें फ्रंट एंड पे, जो हमारे ब्राउज़र पे नज़र आएगी। और उसके अलावा एचरेफ में आप उसको लिंक दे देते हो कि जब क्लिक हो तो कहाँ जाए, सही है। तो इसको लिखने, फॉर एग्जांपल ये देखो, जब आप बना लेते हो तो आपको इस तरीके का व्यू आता है IMDB, जो कि हमने यहाँ पर लिखा था, सही है। इस तरह का व्यू आएगा, रेड अंडरलाइन होगी और ब्लू पर्पल कलर जो है ना यहाँ पे नज़र आ रहा होगा। हम भी एक लिंक लगाते हैं, हम इधर टॉप पे लगा लेते हैं, ठीक है। हमने कहा ए एचरेफ ज़रूरी है, ए के अंदर एचरेफ में क्या डालते हैं हम, एचरेफ में हम क्या इंटर करते हैं, या मैंने कहा विजिट गूगल, तो गूगल का हम यहाँ से लिंक उठा लेते हैं। ठीक है, बस ये लिंक उठा लो और एचरेफ में डाल दो। इस पर माउस रखते हो तो आपको यहाँ कॉर्नर पे नज़र आता है कि इस पर क्या लिंक लगा हुआ है। अभी अगर आप लोग देखो अपनी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा आपको, कॉर्नर पे www.google.com नज़र आ रही है, ब्लैक वाला नीचे की तरफ आता है। तो कोई भी आप एंकर टैग उठाओ ना, जब आप उस पर माउस रखते हो तो यहाँ आपको उसका एड्रेस नज़र आता है कि ये कहाँ मूव करेगा, सही है। तो क्या इसे क्लिक करोगे तो क्या होगा, हम कहाँ चले जाएंगे, गूगल पे, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि गूगल पे तो जाए लेकिन मेरी वेबसाइट बंद ना हो, तो आप क्या लिखते हो, टारगेट इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक। तो अब क्या होगा, आपकी वेबसाइट इधर ही रहेगी, जब आप क्लिक करोगे ये अलग टैब पे खुल जाएगा, सही है। पहले उधर ही खुल रहा था, लेकिन जब हमने ये एट्रीब्यूट लगाया, इसको एट्रीब्यूट कहते हैं ना, टारगेट इज इक्वल्स टू अंडरस्कोर ब्लैंक, जब इस ये लगाते हो तो क्या होता है भाई, कि आगे मूव कर जाता है और नया टैब में मूव करता है, सही है। कोई सवाल है, नहीं है। अच्छा, एंकर टैग कहीं भी आ सकता है, पैराग्राफ के अंदर आ सकता है, LI के अंदर आ सकता है, कहीं पर भी आ सकता है, सही है। अभी एक एग्जांपल हमने वहाँ से पिक किया, इसमें देखें एक यूएल बनाया उन्होंने, पैरा को छोड़ दिया, यूएल बनाया, यूएल क्लोज किया, उसके अंदर LIs बनाया, LIs में फिर एंकर टैग डाल दिया, एंकर टैग मतलब ये पूरा इस तरह उठाया और डाल दिया। तो अब आपके पास जो व्यू आएगा ना वो इस तरीके से आएगा, होम, अबाउट अस, मूवीज और कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। HRF में इसने अपने पेजेस डाले हैं, वो अभी हम देखते हैं कैसे बनेंगे, सही है। ये आप लोग को समझ आया, अब आप इस पर क्लिक करोगे तो ये बोलेगा कैन नॉट गेट, क्यों, क्योंकि लिंक तो हमने लगाया है लेकिन हमारे पास ये अभी लोकल लिंक है, अभी जो हमने उससे पहले लगाया था वो हमने कौन सा URL था, रिलेटिव या एब्सोल्यूट, इसको कहते हैं एब्सोल्यूट URL, कि आप डायरेक्टली उधर मूव कर जाओ, सही है। और रिलेटिव में क्या होता है, ज़्यादातर ये होता है कि आपके पास ही पेज होगा, यहीं पर आप उसका लिंक लगाओगे, सही है। तो पेजेस बनाने के लिए आप क्या करो, यहाँ पर आओ, ये सबसे पहले फोल्डर बना लो, सही, पेजेस बन गए, पेजेस का फोल्डर बन गया। अब आप एक एक जो है ना, एक एक दफ़ा ये इसके अंदर बनाना है, ठीक है। तो राइट क्लिक करो, न्यू फाइल ऐड करो, अब अबाउट अस का बना लो, मूवीज का बना लो, यहाँ पर ही फोल्डर नहीं बनाना, क्या बनाना है, न्यू फाइल, फोल्डर के अंदर न्यू फाइल, और उसके अलावा कॉन्टेक्ट अस डॉट, अब इसको चलना चाहिए, हमने पेज दे दिया ना, अब चलना चाहिए इसको, है ना। क्लिक करेंगे तो चलो ये तो चलेगा क्योंकि ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल है,
बाकियों को क्या कह रहा है कि हमें ये पेजेस नहीं मिल रहे, लेकिन हमने यहाँ बनाए हुए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें बिल्कुल एग्जैक्ट यूआरएल देना पड़ता है। फॉर एग्जांपल अभी अगर हम देखें पेजेस का फोल्डर और index.html का फोल्डर एक ही जगह पड़े हुए, मतलब एक ही रूट पे, एक ही लेवल पे पड़े ना, अगर मैं इसको खोलता हूँ तो ये क्या होता है, इसके अंदर आ जाता है, इस फोल्डर के अंदर आ जाता है, ये हमने गलत कर दिया। हमें फोल्डर नहीं बनाना, हमें क्या है, हमें इन पेजेस को ढूंढना है, मतलब हमें लिंकिंग करनी है। अगर आप देखो तो पेज और इंडेक्स क्या है, एक ही जगह पे पड़े हुए हैं, लेकिन जो पेजेस के अंदर जो आ रहा है वो अलग है, वो इसके अंदर चला गया, ठीक है। ये और ये क्या है, एक बाहर पड़े हुए हैं। अगर आपको इधर ऐसा समझ नहीं आ रहा तो ऐसे आ जाएगा, देख ये नहीं है, ये देखो इंडेक्स और पेजेस का फोल्डर एक जगह पड़े हुए हैं, सही है, लेकिन जो पेजेस है ना वो इसके अंदर पड़े हुए हैं। तो अगर हम सिंपल इस तरह लिखेंगे ना तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये सेम जगह पे मौजूद नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर आपको अबाउट अस का पेज ढूंढना है तो आप एक दफा डबल डॉट स्लैश लगाओ, देखो अभी आपको सेम रूट दिखा रहा है, तो उसके अंदर इंडेक्स और पेजेस दोनों पड़े हुए हैं। लेकिन जब आप उसके बाद डबल डॉट डालोगे इस तरह, सॉरी पेजेस पड़े हुए और ये, तो हमें कहाँ जाना है, पेजेस के फोल्डर के अंदर हम क्लिक करेंगे, अब हमारे पास पेजेस वाली चीज़ें खुल गई, तो हम अबाउट अस में क्या लगाएंगे, अबाउट अस का लिंक, सही है। तो इधर हेडिंग्स भी डाल देते हैं, सही है, HTML का पेज बनाते हैं, अबाउट अस और सही, इसी तरीके से सब इसको कॉपी कर लो, सारे पेजेस में डाल दो, बस चेंज क्या करोगे, रुक तो देखो, मूवीज अच्छा एक कॉन्टेक्ट है, हमने अब कितने पेजेस बना लिए, एक दो तीन और ये चार, तो हमने अभी जो वो बनाया है लिस्ट बनाई है वो index.html के अंदर बनाई है। अभी हमने पहला पेज लिंक कर दिया, दूसरे पेज के लिए हमें दोबारा से वही करना पड़ेगा, पहले हम डॉट स्लैश करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या अवेलेबल है, हमारे पास दो ही चीज़ अवेलेबल है, index.html और पेजेस, तो हमें तो पेजेस से मूवी का वो उठाना है, तो हम इस तरह कर लेंगे, सही है। डॉट स्लैश पेजेस फिर कॉन्टेक्ट, तो अब क्या होगा हमारे पास, ये क्या हुआ, ठीक है होम। अब देखो अब आप लोग नीचे देखना कि आप लोग को लिंक नजर आएगा, अबाउट अस मूवीज और फिर कॉन्टेक्ट अस। अब आप अबाउट पे क्लिक करोगे तो अब आप कहाँ पर चले गए, अबाउट के पेज पे, मूवीज पर तो मूवीज के पेज पर चले गए, कॉन्टेक्ट अस तो कॉन्टेक्ट अस के पेज पर चले गए, ठीक है। लेकिन जब आप अबाउट अस पे जाते हो तो तब आप बैक नहीं आ सकते ना, बैक नहीं आ सकते, तो आपको दोबारा से क्या बनाना पड़ेगा, क्या बनाना पड़ेगा, ये सब कुछ हमें कॉपी करके हर पेज के अंदर रखना पड़ेगा इस तरह, HR भी डाल देते हैं ताकि थोड़ा सेपरेट हो जाए, HR पढ़ा है ना हमने कल,
ठीक है, अब मैं जाता हूँ अबाउट अस में, मेरे पास ये सारी लिस्ट आ रही है, ऐसा ही है, मूवीज़ भी आ रही है, कॉन्टैक्ट भी आ रही है, कॉन्टैक्ट में जाता हूँ तो वो कहता है भाई नहीं अवेलेबल, सही है, आपको ये सही करना पड़ेगा, लेकिन होम पे जाना है तो होम पे भी नहीं जा सकते आप, सही, लेकिन इसके लिंक सही नहीं है, तो लिंक सही करने के लिए हमें सबसे पहले अबाउट अस में जाना पड़ेगा। अब index.html देखो इन ये अब इनका रूट क्या हो गया, फॉर एग्जांपल अगर मैं .slash डालूं तो हमें क्या क्या मिलेगा, अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस और मूवीज, बाहर वाली चीज़ें नहीं मिलेंगी क्योंकि ये जब .slash डालते हैं तो ये उसी वाली रूट को दिखाता है, सही है। अब हमने क्या करना है, डबल डॉट डालना है और index.html डाल देना है, अब क्या होगा ये लिंक हो जाएगा, सेम ये पेजेस हमें नहीं चाहिए, हम वही काम करेंगे इसमें भी, डॉट स्लैश ये नहीं चाहिए, डॉट स्लैश बल्कि यही चाहिए ना हमें, अबाउट, अबाउट तो यही मौजूद है लेकिन इंडेक्स बाहर मौजूद था, ऐसा ही है, तो आप इसको बस रिमूव कर दो, आपको मूवीज मिल जाएगी इस तरह, ठीक है। तो इसी को कॉपी कर लो हर जगह पे, दोबारा से रख दो हमें, वरना चेंज करना पड़ेगा। अब हम index.html पे, हम अबाउट अस पे जाते हैं, हम वीज पे जा सकते हैं, यहाँ से कॉन्टेक्स्ट पे जा सकते हैं, होम पे आ सकते हैं दोबारा से, सही, ये लिंक्स की वजह से हुआ। और अगर आप, ठीक है, अगर आपको बाहर निकलना हो तब भी आप यही करोगे, सही, और अगर आपको बाहर से अंदर जाना हो तो फिर आप फोल्डर पे जाओगे और फोल्डर से अंदर मूव कर जाओगे, ठीक है। जितना आप डॉट्स डबल डॉट स्लैश डालते हो ना, एक स्टेप ऊपर आता रहता है, आता रहता है, आता रहता है, सही है। कोई सवाल है? नहीं है, अच्छा, हमारे पास कुछ लिंक्स ऐसे होते हैं, लाइक index.html पे मैं एक लिंक डाल देता हूँ, एंकर का ही टैग बनेगा और इसको मैं देता हूँ गो टू माउस, माउस हमारे पास यहाँ नीचे पड़ा हुआ है, राइट। मैं क्या करूँगा, मैं माउस पर आऊँगा जहाँ माउस है, इधर मैं एक आईडी दे दूँगा, आईडी क्या दे दूँगा भाई, मैं माउस ही दे देता हूँ, सही है। आईडी जब आप एक नाम की आईडी आप जब एक जगह दे दो तो दूसरी जगह आपको आईडी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, एक्सक्यूज मी, बुलाना पीछे वालों को, भाई क्या मसला है, आप माइक में आके बोल लो, ज़्यादा आ गया है ना आप लोगों को। खैर, हमने ये आईडी दी, एक दफ़ा आईडी लगती है, आईडी दे दी, अब हम यहाँ आ गए, अब हमने कहा कि हमें ना अपने पेज में मूव करना है, तो हम हैश डालेंगे और फिर आईडी दे देंगे, इससे क्या होगा, आईडी कहाँ दी हुई हमने, माउस के ऊपर, जब हम इस पर क्लिक करेंगे ना, अरे यार इधर माउस वो आएगा, आईडी नहीं आएगी यहाँ पे, माउस आएगा, सारे आप सो रहे हो, जब आप गो टू माउस करते हो तो आप यहाँ आ जाते हो, सही है, ऊपर भी आपको आईडी में नज़र आ जाएगा इस तरह। अगर आपको ऊपर मूव करना है, लाइक अपने यहाँ चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आप चाहते हो कि मैं ऊपर मूव कर जाऊँ, H4 लगा दो कोई, और यहाँ लिखो टॉप, और यहाँ एंकर लगा दो, यहाँ सही, और यहाँ आप दे दो href is equals to id दे दो टॉप, हम id लगाते हैं जाके ऊपर, इधर लगा देते हैं सबसे ऊपर, हाँ इधर लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं, आईडी जो सबसे टॉप पे है ना उस पर लगा देते हैं, आईडी हो गई टॉप,
अब देखो, अब आप मूव करोगे अपने पेज के अंदर ही, गो टू माउस आप चले गए, टॉप पे आना है तो टॉप पे आ जाओ, फिर गो टू माउस, ठीक है। तो ये जो उसने शुरू में टॉपिक बताए थे ना, वो तकरीबन सारे क्लियर हो गए, ठीक। चलें 10 मिनट का ब्रेक ले लें, कुछ सवाल हो तो पूछ। काफ़ी सारे लोग जानते हैं। अच्छा भाई, गिट एक सॉफ्टवेयर है जो आपने पास, अपने पास आप इंस्टॉल करोगे, सही है। यहाँ आप लिखो गिट, ये गिट है, आप इसको अपने पास इंस्टॉल कर लोगे, सही है। जब आप इसको इंस्टॉल, पहले तो आपने इंस्टॉल करना है, ठीक है, फिर हम देखते हैं आगे होगा क्या। अच्छा, इशू क्या है, हम गिट को क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं या गिटहब को हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, सही। तो देखिए, जब आप कोड लिखते हैं ना, आप अपने पीसी में उसको सेव कर रहे हैं, ठीक है, या अपनी मिसाल तो आप बाद में ले चलें, डिस्कस करते हैं। कंपनी है, ठीक है, वो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रही है जिसके अंदर 3-4 कंट्रीज़ के लोग हैं, वो काम करते हैं, सही है। उनका अलग अलग टाइम जोन है, कहीं रात हो रही होती है, कहीं दिन हो रही होती है, ठीक है। सारे ऑब्वियसली दिन में ही काम करते हैं, लेकिन कुछ के यहाँ दिन होगा, कुछ के यहाँ रात होगी, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल 50 लोग हैं, वो एक ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। एक ही प्रोजेक्ट का क्या मतलब है कि कोई एक ही फोल्डर होगा, उसी में सारा कोड आ रहा होगा उनका, सही है। तो अब ये जो काम कर रहे हैं, अगर गिट हम यूज़ ना करें तो वो क्या करेंगे, वो सारा काम सबके पीसीज में होगा, ठीक है। कोई एक गूगल ड्राइव रखी होगी, सही है, वहाँ जाके वो लोग जो नया नया काम वो लोग कर रहे हैं, वो वहाँ पे रखते जाएंगे और वहाँ से सब डाउनलोड करके रखते जाएंगे, ठीक है। तो इसमें जो है ना, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, सही है, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, गूगल ड्राइव का पासवर्ड लॉस हो गया, ठीक है, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो आपका कोड चला जाएगा। गिट में भी ऐसी होता है, गिटहब के अकाउंट में, लेकिन उसमें एक फ़ायदा ये होता है कि सबके पास अपना लोकल कोड मौजूद होता है, सही है। लोकली सबके पास कोड मौजूद होता है, और गिट के थ्रू हम क्या करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल, दस बंदों ने एक दिन एक प्रोजेक्ट, एक टास्क पे काम किया, ठीक है। अब उनका टास्क ख़त्म हो गया, अब कल उनके पास कोई टास्क नहीं है। अब जो अगले दो बंदों ने फिर उस दिन दो दिन काम करना है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, वो एक कमांड चलाते हैं, क्योंकि जो 10 बंदों ने काम किया होता है ना, वो लोग एक जगह पे रख देते हैं जाके, वो कमांड चला के वहाँ से उनको ले लेते हैं, सही है। तो गिट क्या करता है, गिट कोड की क्या बनाता है, रिपोजिटरीज बनाता है। रिपोजिटरीज क्या है, मैं उधर चला जाऊँगा ना बोर्ड पर, तो रिकॉर्डिंग नहीं होगी, मैं चाह रहा हूँ रिकॉर्डिंग हो जाए। पेंट पर समझते हैं हम, ये एक बॉक्स है, सही है, ये आपकी, अगर आप गिट की जुबान में इसको कहोगे तो ये कहलाती है गिट रिपोजिटरी। रिपोजिटरी का क्या मतलब होता है बताओ, जी। गिट रिपोजिटरी, रिपोजिटरी का मतलब होता है एक ऐसी जगह जहाँ पे हम कुछ स्टोर कर रहे हैं, ठीक है। रिपोजिटरी या फिर आप गोदाम बोल दो, या इस तरह की चीज़ें भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो उसमें भी क्या होता है, कुछ हम स्टोर करते हैं, ठीक है। तो गिट रिपोजिटरी का मतलब है कि कोई एक गोदाम होगा, कोई एक जगह होगी जहाँ पर हमारा कोड स्टोर हो रहा होगा, और वो मल्टीपल जगहों से आ रहा होगा, सही है। अगर 50 बंदे काम कर रहे हैं तो 50 बंदों की तरफ से कोड आके वहाँ पे स्टोर हो रहा होगा, ठीक है। तो ये गिट रिपोजिटरी होती है। अच्छा, इससे ना हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस निकलती हैं, ठीक है, इस तरह, एक सेकेंड। गिट रिपोजिटरी से सबसे पहले सारी ब्रांचेस निकलती हैं, लेकिन जिस तरह हम काम करते हैं ना, उस काम में सबसे पहले जो ब्रांच, मेन ब्रांच होती है, इसको क्या कहते हैं, मेन ब्रांच, इधर लिख दो इसका नाम, मेन या फिर मास्टर ब्रांच, सही, मेन या फिर मास्टर ब्रांच। एक समझो, एक डब्बा है, एक जगह है, उसके अंदर से डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस निकल रही हैं, सही है।
फॉर एग्जाम्पल एक गोदाम में जो है ना सारी चीजें जमा हो गई आके, अब वो बहुत डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। गोदाम के आप समझ ले 5 दरवाजे हैं, हर दरवाजे से अलग अलग चीजें निकलनी है। अगर कोई इस तरह दाल चावल चीनी का गोदाम है तो समझिए एक जो है ना एक दरवाजे से चीनी जाएगी, एक दरवाजे से दाल जाएगी, चावल जाएंगे, तो हमारा कोड भी ना डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज में होगा, ठीक है। हर ब्रांच में अपना अपना अलग अलग काम होगा, सही। तो देखो मेन ब्रांच एक ही होती है, ठीक है। सारा काम जो जो मेन आपका ये है ना गिट रिपोजिटरी, इसमें जो चीज़ जाती है ना वो मेन ब्रांच से जाती है, सही है, मेन ब्रांच में। और कोई भी बंदा जो होता है ना 100 में से 150 जितने भी बंदे मेन ब्रांच पर कोई काम नहीं करता, सब क्या करते हैं अपनी अपनी ब्रांचेस निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेन से एक और मेन से ब्रांच निकल जाएगी, डायरेक्ट भी निकल सकती है, ठीक है, नो इश्यूज। लेकिन ये कोई ये तरीका नहीं है कि हम डायरेक्ट निकालें, ठीक है। अगर हम डायरेक्ट निकालेंगे ना सब अपना कोड इसमें पुश करेंगे और किसी एक ने भी खराब कोड डाल दिया तो सारा कोड खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं एक प्रोसेस चलाते हैं कि सब आप मेन ब्रांच से अपनी अपनी इस तरह की ब्रांचेस निकालो, सही है। पर्सन वन जो है ना ये काम कर रहे हैं, पर्सन टू यहां पर है, वो ये वो किसी और चीज पे काम कर रहा होगा। सबने अपनी अपनी क्या बनाई होंगी ब्रांचेस, आ रहे समझ में नहीं? अभी हमने गेट को नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, हम एक जनरल बात कर रहे हैं, सही। जितना भी कोड होगा इसका मतलब है जो गिट रिपोजिटरी में कोड आएगा ना, बल्कि सॉरी मास्टर ब्रांच में, मास्टर ब्रांच में जो भी कोड आएगा वो रेडी टू क्या होगा, डिप्लॉय होगा। डिप्लॉय का मतलब क्या है, आप एग्जांपल लो फेसबुक की, ठीक है। फेसबुक कितनी बड़ी कंपनी है, उसके पास बहुत सारे डेवलपर्स सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम कर रहे होंगे अलग अलग चीजों पे, लेकिन जो आपको दिख रहा है वो कौन सा कोड, वो कौन सा व्यू है जो कि बिल्कुल फाइनल टेस्टेड व्यू है, ठीक है। तो जो फाइनल और टेस्टेड व्यू होता है ना वो कहाँ जाता है, मेन ब्रांच के अंदर, ठीक है। हम ऐसा नहीं करते और मेन ब्रांच को ही डिप्लॉय करते हैं। गिट रिपोजिटरी से ब्रांचेस निकलती है, सबसे पहले कौन सी होती है, मेन ब्रांच होती है। मेन से फिर आप अलग अलग ब्रांचेस बनाते हो, जैसे आपको काम यहाँ पे पर्सन वन का काम खत्म हुआ, इसने वापस कोड मेन में मर्ज कर दिया, क्या कर दिया, मर्ज कर दिया। पर्सन टू ने काम किया, उसका फाइनल हो गया, टेस्टिंग हो गई, सब कुछ हो गया, बिल्कुल सही चल रहा है, मास्टर में मर्ज कर दो, ठीक है। अब तो ऑटोमेटेड होता है, जैसे आप मर्ज करते हो खुद ब खुद डिप्लॉयमेंट शुरू हो जाती है। मास्टर में कुछ भी गया वो एक पूरा कोड प्रोसेस लिखा होता है, वो चलना शुरू होता है और आपकी वेबसाइट पे न्यू चेंजेस जो आपने की होती है वो आ जाती है, ठीक है। तो मास्टर में हर कोई मर्ज भी नहीं कर सकता। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 3 चार पर्सन है, 50 पर्सन है, 50 में से एक या दो जो सीनियर बंदे होंगे उनको अलाउ होगा कि वो इसमें मर्ज कर लें, ठीक है। पहले कोड बनता, पहले कोड लिखा जाएगा, सब अपनी अपनी ब्रांचेस में कोड लिखेंगे और फिर क्या होगा, वो टेस्टिंग के लिए जाएगा। अब टेस्टिंग के लिए अगर आपकी कंपनी बड़ी है तो आपके पास QAs होंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के साथ QAs भी होते हैं जो कि आपको आपके काम को क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं जगह अलग अलग चीज़ों से, ठीक है। उनका काम यही होता है कि टेस्टिंग करना और बग्स निकाल के देना, ठीक है। वो ऐसे ही बंदे होते हैं, वो काम करते हैं, टेस्टिंग करते हैं, बग्स निकालते हैं और देते हैं, सही। जब उनको लगता है कि बिल्कुल अब कुछ सब सेट हो गया तो वो आगे मूव कर देते हैं, सही। जब आगे मूव होगा तो ऑब्वियसली वो जाएगा किसमें, किसमें जाएगा, मार खानी है, गेट रिपोजिटरी में तो कुछ भी नहीं जाएगा, किसमें जाएगा, ये नजर भी आ रही है डायग्राम्स, कहाँ जाना है, मेन ब्रांच में, ठीक है। 1, 2, 3 जितने भी होंगे, जब क्यूए या कोई भी अप्रूवल के लिए बैठा होगा वो अप्रूव करेगा तो कोड किधर चला जाएगा, मेन ब्रांच में, सही। तो अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जाएंगे ना, गिट भी पूछा जाएगा आपसे,
ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये ज़माना नहीं रहा कि आप कोड करो, ड्राइव पे रखो या यूएसबी में रखो, अगले बंदे को दे जाओ, कल आप नहीं आओगे, कल वो काम करेगा, यूएसबी लगाएगा, यूएसबी भी उड़ गई, हार्ड ड्राइव भी उड़ गया, आपका कोड गया, सही है। तो सब क्या प्रीफर करते हैं कि गिट यूज़ करें, और ऊपर जाके अभी हम देखेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं गिट की रिपोजिटरी बनाने के लिए, सही है। तो यहाँ तक का जितना भी काम है ना, ये आप किसी भी वेबसाइट के बगैर अपने लोकल में भी मेंटेन कर सकते हो, सही है। लेकिन लोकल में मेंटेन करने का नुकसान क्या है, क्या नुकसान है, अगर ये 50 बंदे हैं जो फेसबुक ने हायर किए हैं, वो अपने लोकल में ही काम किए जा रहे हैं, तो जो फॉर एग्जांपल अगर फेसबुक आप देखो तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल्स बने हुए ना, यहाँ चैट का मैसेंजर खुलता है, यहाँ पे शॉर्टकट्स आते हैं, बीच में फीड्स चलती हैं, सही है। तो आपको क्या लगता है कि एक ही बंदा सारा काम कर रहा है, नहीं, सब अलग अलग चीज़ों पे काम कर रहे हैं, लेकिन मर्ज होके उन सब का कोड कहाँ जाता है, एक ब्रांच के अंदर जो कि यूज़र को या फिर डिप्लॉय हो जाती है और सब उसको यूज़ करते हैं, सही है। तो सब अपने पास मेन ब्रांच का कोड लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये पर्सन मैंने ना 10 दिन तक कोई काम नहीं किया, 2, 3 और 4 काम कर रहे हैं, ठीक है, कोड जो है ना इनका कॉन्स्टेंटली जो है ना मर्ज हो रहा है। अब जब पर्सन वन स्टार्ट करेगा ना, तो पर्सन वन के पास कोड जो है ना वो अपडेट होना, अपडेटेड चाहिए ना उसको लेटेस्ट कोड चाहिए, तो वो क्या करेगा, वो पर्सन 2, 3, 4 के पास तो नहीं जाएगा, उनको मैसेज कॉल तो नहीं करेगा, अपना कोड मुझे दे दो, वो कहेंगे कि हमने सारा का सारा कोड मेन ब्रांच में रखा हुआ है, आप जाओ मेन ब्रांच से कोड ले लो बस, सही। मैंने आपको बताया ना कि पर्सन 2, 3, 4 किसी और कंट्री में हो सकते हैं, और आपका दिन हो रहा है, उनकी रात हो रही है, वो सोए हुए, आप उनको मैसेज कर रहे हो, रिप्लाई नहीं आ रहा, फिर आप सो जाओगे, वो उठेंगे, वो मैसेज करेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा, ऐसे तो कभी भी आप बात ही नहीं कर पाओगे। तो सबसे अच्छा क्या तरीका है कि आप गिट यूज़ करें, ठीक है, गिट में आप अपना काम करें, और एक ब्रांच में जो है ना सारा कोड जाएगा, लेकिन उसको भी आप प्रोटेक्टेड रखेंगे क्योंकि और मर्ज ना कर सके, सही। ये आप लोग को मैं क्यों बता रहा हूँ कि कल मैंने आपको बताया था कि आप ग्रुप्स बनाएंगे, जब आप ग्रुप्स बनाएंगे तो जो प्रोजेक्ट आपको दो बंदे आपस में काम कर रहे होंगे, तो वो कैसे कोलैबोरेट करेंगे, वो ऐसे ही करेंगे कि वो गिट की रिपोजिटरी बनाएंगे, मेन ब्रांच बनाएंगे, उसको छोड़ देंगे, उससे ब्रांचेस निकालेंगे, जो दो काम कर रहे होंगे, काम किया, टेस्ट किया और मर्ज कर दिया, सही है, ये दोनों के पास अपडेटेड कोड होगा, सही। तो ये गिट का काम है, हमें गिट इसलिए हेल्पफुल देता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, गिट को इंस्टॉल करना है, सिंपल है, नेक्स्ट करोगे इंस्टॉल हो जाएगा। जब आप इंस्टॉल कर लो तो आप यहाँ आ जाओ, किसी भी टर्मिनल में आ जाओ, बस गिट लिखो। अगर इस तरीके से ये आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि गिट सही चल रहा है, ठीक है। कोई सवाल, ये आपके पास डायग्राम है, बताएं। नहीं है कोई सवाल? नहीं है सवाल भाई? सब समझ आ गया, पक्की बात आपको आ गया भाई। बाकी भाई जो रिवाइज करने का बोल रहे थे, उनको कोई सवाल है? नहीं है? नहीं है कोई सवाल? अच्छा, हम अपने डायग्राम को ना मॉडिफाई करते हैं, मुझे लग रहा है इसमें एक चीज की कमी है।
इसका दोबारा ही बना लेते हैं। ठीक है, dir करके आप देख सकते हो ना कि इसके अंदर क्या क्या मौजूद है। हमारे पास एक index.html की फाइल मौजूद है, सही। इसको क्लियर करो, आप लिखो git, चेक करो git अवेलेबल है। भाई git अवेलेबल है तो आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अगर git की रिपोजिटरी बनानी है, पहले लोकल की बात कर रहे हैं हम, सही है। हम लोकल पे कोई git की रिपोजिटरी बनाते हैं ताकि हम git की जितनी भी कमांड्स या असाइनमेंट में आपने देखा होगा वो ऐसे नहीं चलेंगी। पहले हमें इस फोल्डर को git की रिपोजिटरी बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें लिखने होते कमांड git init, सही है। जैसे git init लिखते हो वो कहता है initialize empty repository, और जैसे आप git init लिखोगे ना ये dot git का एक फोल्डर बन के आ जाएगा। अब इसके अंदर क्या चीज़ें हैं वो हम इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप याद रखें कि git की रिपोजिटरी जब बनती है ना तो ये आता है, और अगर इसको डिलीट कर दोगे तो git की कमांड्स फिर से नहीं चलेंगी। ठीक है, तो हमने क्या किया, git की रिपोजिटरी बना ली, अब फोल्डर भी आ गया हमारे पास। तो हम चेक करते हैं git status लिख के, ये सारी कमांड्स हैं जो कि वहाँ अवेलेबल होंगी। git status, जब हम git status करते हैं तो कहता है no commits yet, git add to include what will be committed। अभी क्या है कि एक फाइल है जो कि मौजूद है, तो हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले status तो नॉर्मल कमांड है, सही है, लेकिन हम जो भी काम करते हैं ना उसको पहले हमें ऐड करना पड़ता है, फिर कमिट करना पड़ता है, और फिर हमें उसको पुश करना पड़ता है। ये प्रोसेस है, ठीक है, ऐड कमिट एंड देन पुश। तो अभी हमारे पास ये जो फाइल है हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, git add और फाइल का नाम लिख दो। और अगर आपको फाइल का नाम नहीं पता ना और आपको सब कुछ ही ऐड करना है जितना इसमें मौजूद है, तो आप git add space dot कर दो बस। तो अब क्या होगा, git status जब आप चेक करोगे तो ये ग्रीन हो जाएगा और ये बोलेगा कि नो कमिट्स येट, और ये अनट्रैक थी पहले, अब क्या हो गई, ट्रैक्ड हो गई है। जब ट्रैक्ड हो गई तो अब आप करो git commit माइनस m, ये लिखोगे git commit माइनस m, और यहाँ कोई मैसेज आपने देना होता है, जो भी आप कोड कमिट करते हो ना उससे रिलेटेड यहाँ पे आपको मैसेज देना पड़ता है git commit, और ये अब कमिट हो गया, ये आपको बताएगा कितनी चीज़ें चेंज हुई। अब आप git status करो, जब आप git status दोबारा करोगे तो वो आपको बताएगा कि कुछ भी फाइल जो है ना अनट्रैक नहीं है, सब कुछ ट्रैक्ड है, सही है, इतना समझ में आ गया। अब कोई भी आप काम करो, फॉर एग्जाम्पल ये फोल्डर है ना, इसको मैं कोड में ओपन कर लेता हूँ, ये आपके पास एक फोल्डर है, मैं इसके अंदर एक पैराग्राफ और ऐड करता हूँ, ठीक है। अब मैं जाता हूँ दोबारा से अपने इसके अंदर और मैं कहता हूँ मुझे बताओ कि git का स्टेटस है क्या अभी, वो कहता है कि भाई एक फाइल मॉडिफाई हो गई है। देखा आपने पहले git status लिखा था कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही आपने फाइल को चेंज किया तो क्या बता रहे हैं, हाँ एक फाइल चेंज हो गई है। तो आप दोबारा से क्या प्रोसेस फॉलो करोगे, git add space dot, अगर आपने एक फाइल करनी है तो फाइल का नाम लिखोगे कैसे, git add index.html, सही। अब git status करो क्या आएगा, कह रहे हैं कि मॉडिफाइड थी जो आपने ट्रैक में ले आए हो मेरे, अब आपको इसको क्या करना पड़ेगा, git commit minus m, फिर आप लिखो my, ठीक है, इंटर करो, git status लिखो। अब क्या कह रहे हैं, दोबारा से क्लीन हो गया सब कुछ, ठीक है। अगर आप git ब्रांच लिखो यहाँ पे, तो अभी हमारे पास एक ब्रांच है, कौन सी, हमने नई git रिपोजिटरी बनाई और उसके अंदर हमने कुछ नहीं किया, ब्रांच खुद बन गई, कौन सी, मास्टर की, सही है। तो ये मेन ब्रांच है मेन, अब हम जो भी काम करेंगे मास्टर से ब्रांच निकाल के करेंगे, लेकिन आज वो हम नहीं करेंगे, बट हमें ये देखना है कि हमारे पास कितनी ब्रांचेस हैं, अभी एक, जितनी ब्रांचेस बनाते जाओगे यहाँ पे आती जाएंगे। तो अभी हमने क्या क्या देख लिया, git init वो एक दफ़ा करना है, फिर git
स्टेटस तो बार बार करना है हर उस पे चेक करने के लिए कि अब क्या स्टेटस है, गिट एट एंड देन गिट कमिट, ये हो गया। फिर गिट पुश भी होता है, लेकिन गिट पुश हम सॉफ्टवेयर के थ्रू करेंगे। आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, उसका नाम है GitHub डेस्कटॉप। जब आप इसको इंस्टॉल करोगे इस तरह, डाउनलोड करो यहाँ से, सिंपल डाउनलोडिंग होगी, इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होके आपको GitHub इस तरीके से नजर आएगा। किसी ने उड़ा दिया। तो चलो इंस्टॉल कर लेते हैं, किसी ने रिमूव कर दिया, हो गई थी वो लग रहा था, लेकिन वो पुश पुश नहीं होगा, वो पासवर्ड रिमूव हो गया था। अच्छा, मैंने ही उड़ाया था। ये यहाँ डाउनलोड हुआ है, इस पर आप ओपन करो इसको और इसको इंस्टॉल करना शुरू करो। ये हमें क्या करेगा हम देखते हैं अभी, ठीक है। ये आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लो, अब आप आ जाओ वेबसाइट के ऊपर जिसका नाम है github.com, ठीक है। तो हमने ये डिस्कस किया है कि जो हमारी रिपोजिटरीज हैं वो गिट रिपोजिटरीज हैं, लेकिन हमें इसको क्लाउड पे रखने के लिए या ऑनलाइन रखने के लिए हमें कुछ वेबसाइट्स मिलती हैं, ठीक है। तो सबसे जो कॉमन वेबसाइट है उसका नाम है github.com। उसके सामने अच्छा सब पे गिट की कमांड चलेंगी, पुश वगैरह गिट की तरह होगा, गिट लैब भी है आपके पास, बिट बकेट भी है, ये सारी हैं आपके पास, ओके। तो हम कौन सी यूज़ करेंगे, गिटहब। साइन अप करोगे, सिंपल प्रोसेस है। किसी ने अकाउंट बनवाना है, बनवाना है भाई, चलो खैर हम डमी एक ईमेल डाल देते हैं, जब कोड की बारी आएगी तो देख लेंगे। ये कह रहे हैं ईमेल ऑलरेडी टेकन, चलो भाई इन्होंने अच्छी बात बताई, हम डमी ईमेल उठा लेते हैं, ये आपका इनबॉक्स होगा राइट। तो हम यहाँ ईमेल लिखते हैं, ये कह रहा है पासवर्ड, हम कोई पासवर्ड दे देते हैं, ठीक है। ये कह रहा है यूज़र नेम, ठीक है, ये यूज़र नेम दे दिया, आप लोग अपना सही से नाम देना, कंटिन्यू कर दो। अब यह वेरिफिकेशन आएगी आपके पास, जिस तरह हैंड है उस तरीके से आपको कार को रखना है, बिल्कुल सही है। ओके, ये पजल सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पे जो है ना वो आ गया होगा, ठीक है। यहाँ आप ये जो कोड है इसको पेस्ट कर दें, अब आप इसको लॉगिन करें, ठीक है। और पासवर्ड जो भी आपने रखा था वो यहाँ पे डाल दें, सही है। क्या आपसे कुछ क्वेश्चन करेगा, भाई आप स्टूडेंट हो, बोलो जस्ट मी, कंटिन्यू करो। द
दोनों पे चेक लगा दो, कुछ भी कर दो, फ्री में चलना हमने, ठीक है। ये आपका अकाउंट बन गया, सही। अब हमें करना क्या है, हमने जो ये रिपोजिटरी बना ली है ना, जिसके अंदर हमने कमिट वगैरह करके चीज़ें रख दी हैं, हमें वो यहाँ जब आपका अकाउंट बन जाए, ये आपका असाइनमेंट ही रिवाइज हो रहा है जो आपको आपको करना है, सही है। जब आप बना लोगे अकाउंट तो आपको इस तरीके से ये रिपोजिटरी आ जाएगी, ठीक है। ये हमने रिपोजिटरी का नाम दे दिया, ठीक है। और किसी चीज पर क्लिक नहीं करना, आपने प्राइवेट पब्लिक रखनी है, ठीक है, ताकि सब देख सके। प्राइवेट में क्या होगा, हाइड हो जाएगा। प्राइवेट रिपोजिटरी रखेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, हाइड तो हो जाएगा, उससे क्या होगा, वो क्या कैसे कोड होगा, जब जिसको क्या हो गया यार भाई, जिसको कोड शेयर करना होगा, आप लोग उसको एज अ कोलैबोरेटर ऐड करोगे तो उसके पास भी उसके गिटअप के अकाउंट में नजर आ जाएगा। ये कह रहे हैं कि मैं अपना आईडी पासवर्ड दे दूंगा सबको कि आप कोड देख लो, ये क्या बात हुई। आप उसकी रिपोजिटरी में उसको लिंक करोगे कि ये रिपोजिटरी है, और फिर भी वो रिस्ट्रिक्टेड होगा। आप ऑनर और रिपोजिटरी के आप उसको राइट देते हो, सिर्फ रीड के या फिर आप एडिशन के मॉडिफिकेशन के राइट देते हो, वो सब आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। अभी हम पब्लिक बना रहे हैं और बस यहाँ से क्रिएट कर देंगे, ठीक है। ये क्रिएट हो गई, सेकंड स्टेप फॉलो करना है, फर्स्ट नहीं, क्योंकि ये हमने काम कर चुके हैं ना कि हमने गिटअप पे इनिट कर दिया, कमिट कर दिया और सारा काम कर दिया। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाली कमांड अपनी उसी फोल्डर के उस पर टर्मिनल पे आके चलानी है, उसी फोल्डर के को चलाया आपने, ये चल जाएगा, ठीक है। मीनवाइल आपका ये जो है ना वो चल गया, तो आप इधर आएंगे ऑप्शंस में और यहां से आप क्या कर देंगे, साइन इन, ठीक है। इसको उठाओ, आपके पास ब्राउजर एक ही होगा, यहाँ पे मल्टीपल ब्राउजर्स हैं तो इशू आ रहा है, ठीक है। तो जिस ब्राउजर में खुलेगा यहां से आप क्या कर दो, कंटिन्यू, सही, और ऑथराइज डेस्कटॉप कर दो। अब कह रहे हैं कि ओपन कर दो, हाँ ये ओपन हो गया, सही है। अब ये आपसे लिंकिंग हो गई है इसकी, सही है। अब आपने क्या किया था, आपको ये बोला गया कि जब आपने रिपोजिटरी बनाई तो आप इधर आ जाओ और ये वाली कमांड अपनी रिपोजिटरी में चला दो। तो इससे क्या हुआ, देखो ये जो ऑनलाइन लिंक है ना, ये आपकी रिपोजिटरी में जाके लिंकिंग हो गई है आपस में। अब आप क्या कर सकते हो, अपने उस फोल्डर का कोड ऊपर पुश कर सकते हो, सही है। तो ये हुआ, उसके बाद आपने बोल रहे हैं कि ये ब्रांच चलाओ, इस ब्रांच के चलाओ, सॉरी इस कमांड के चलाने से क्या होगा कि जो आपकी मास्टर ब्रांच है ना वो क्या हो जाएगी, मेन हो जाएगी, उसको रीनेम कर देंगे हम, किससे, मेन से, ठीक है। अब मेन ब्रांच होगी और इधर आकर हमने क्या करना है, पुश करना है, लेकिन पुश हम यहां से करेंगे। जब हम ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे, लॉगिन कर लेंगे, तो वो कहता है कि लोकल रिपोजिटरी ऐड करनी है। तो लोकल रिपोजिटरी ऐड करने के लिए आपको चूज करनी पड़ेगी कि आपने कहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, पब्लिश ब्रांच, देखते रहिएगा, ये पब्लिश हुई ना यहां से, जैसी ये लोडिंग खत्म होगी अब हम इधर आ जाएंगे। अब हम इसको रिफ्रेश करेंगे, जैसे हमने रिफ्रेश किया क्या हुआ, जो index.html पड़ी हुई थी हमारे लोकल में, वो कहां पे आ गई, कहां गई। अब आप इसका लिंक शेयर कर दो, देखो इस ब्राउजर में आप लॉग इन हो ना, आप दोबारा से कॉग्निटो खोलो और यहाँ पे आ जाओ, अब इसमें भी आप लॉगिन हो, ये इस वाले में खोल लेते हैं, इसमें आप लॉगिन नहीं हुए होगे। अच्छा नॉट फाउंड, क्यों भाई,
ऐसा क्यों है भाई? खैर आपको कॉपी करके इसी तरह करना है, कोई इशू आ गया होगा, हमने टेम्प ईमेल से बनाया है या इस वजह से, तो आप लोगों को ये वाला जो यूआरएल है आप किसी के साथ भी शेयर कर सकते हो, सही है। तो अब आपका कोड यहाँ मौजूद है, अब हम एक और ट्राई करते हैं। हम इधर आते हैं, हम यहाँ पे एक फाइल बनाते हैं, उसको देते हैं हम फाइल का नाम स्टाइल डॉट, या हम छोड़ो हम कहते हैं कि अबाउट डॉट html, ठीक है। अब हम इससे पूछते हैं कि भाई गिट स्टेटस क्या है आप हमारे आपके पास, वो कहेगा गिट स्टेटस क्या है कि एक नई फाइल ऐड हुई है। मैं उसको कहूँगा कि भाई आप सब कुछ ऐड कर दो, ऐड कर दिया। अब वो कहे फिर दोबारा पूछो उससे स्टेटस क्या, उसने कहा भाई सब कुछ ऐड हो गया, आप करो गिट कमिट माइनस एम और उसको मैसेज दे दो, मैं बोलो कि आपने अबाउट डॉट html के फाइल को ऐड किया, ठीक है। अब आ जाओ गिट स्टेटस दोबारा कर लो, ज़रूरी नहीं है स्टेटस करना, ठीक है, वो सिर्फ आप चेक करने के लिए होता है। आप कह रहे हैं कि लास्ट क्या काम रह गया, पुश, बस आप इस सॉफ्टवेयर में आओ, अगर आपने ये रिपोजिटरी ओपन की है वो क्या कह रहे हैं, पुश ओरिजन, पुश कर दो इसको। अब जब आपने यहाँ से लॉग इन किया है तो अब ये जो है ना लिंकिंग हो चुकी है। अब आप इसको रिफ्रेश करोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी फाइल भी यहाँ पे आ जाएगी, सही है, ये गिट का काम है। अब आपके पास कोई सवाल है तो आप लोग करें।